कुछ लोग अपने माता पिता के साथ खुश होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं होते। वूहू पर अच्छे और बुरे माता पिता के बारे में हमारी नई वीडियो देखें। पापा मैं जा रहा हूँ, रुको, बाहर बहुत ठंड है। हैट पहनो और मिटन्स और एक वेस्ट, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। पापा मैं बाहर जा रहा हूँ। बहुत ठंड है पापा। क्या? ओह बहुत ठंड है, मैं खिड़की बंद कर देता हूँ। एक अच्छी माँ को पता होता है कि अपने बच्चे को सुबह कैसे जगाना है। दिन की शुरुआत के लिए शांत म्यूजिक एक बढ़िया तरीका है। गुड मॉर्निंग माँ। बुरी माँ अलग अलग म्यूजिकल जनरे चुनती है। उठ जाओ बच्चे, हेल में स्वागत है। हनी हम जा रहे हैं, घर तुम्हारा है, तुम अपने दोस्तों को इनवाइट करके बढ़िया पार्टी कर सकते हो, हम तुम्हें प्यार करते हैं। लड़कियों क्या तुम हमारी पार्टी में जा रही हो? अंदर आओ, तुम भी हमारे घर में स्वागत है। पापा क्या मैं घर पर आ सकता हूँ? क्या तुम देख नहीं सकते हम पार्टी कर रहे हैं? माइनर्स यहाँ अलाउड नहीं, इसलिए अभी बाहर सो जाओ, कोई बड़ी बात नहीं। मेरा कमरा मेरी पर्सनल स्पेस है, मेरे माता पिता इसके रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल। नॉक नॉक। हाय बेटा, डिनर करना चाहोगे? शुक्रिया माँ, पर मैं अभी बिजी हूँ। ओह ठीक है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी हनी। बच्चे तुम्हारे दोस्त यहाँ है। तुम क्या कर रहे हो? लाइव स्ट्रीमिंग? मुझे दो, अपने माता पिता को देखने दो। हे आलन के सब्सक्राइबर्स, तुम्हें इसके हार्ट पसंद है, इसके मॉम और पॉप को लाइक करो। माँ मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा, मुझे लगता है मैं बीमार हो गया हूँ। ओह नहीं मेरे बेचारे बच्चे, मैं तुम्हें फिर से स्वस्थ कर दूंगी। नीचे लेट जाओ, रिलैक्स, थोड़ा सूप पी लो। तुम्हारा टेम्परेचर कैसा है? कुछ कैंडी खाओ स्वीटी, मैं तुम्हारे बेड के पास बैठकर तुम्हारे ठीक होने का इंतजार करूंगी। स्वीट ड्रीम्स। माँ मैं बीमार हूँ। अब क्या? ओ नहीं, कोड रेड, यहाँ वायरस अलाउड नहीं। चलो इसे एक हफ्ते के लिए आइसोलेट कर देती हूँ। मैं अपने कॉलेज के लिए सेविंग कर रहा हूँ, मेरे पिगी बैंक के लिए 30 सेंट्स और। ओह मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, ये 100 बक्स तुम्हारे लिए है, तुम बहुत जिम्मेदार हो। मैं चुपचाप अपने पिगी बैंक में पैसे सेव कर रहा हूँ, मुझे आशा है इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। बेटा तुमने अपने पैसे कहाँ छिपाए हैं? चलो देखे, मैं इसे ले लेता हूँ। मम्मी मुझे अपना होमवर्क समझ नहीं आ रहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ बिल्कुल हनी, मैं तुम्हें सारा एक्सप्लेन कर दूंगी, बस इसे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो और ये हो जाएगा।
मम्मी क्या आप मेरे होमवर्क में मेरी मदद कर दोगी? बच्चे मुझे परेशान मत करो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मम्मी बिजी है? और डॉग को कैसे बोला जाता है, ओ से या ए से? चले जाओ। मॉम मेरा काम चेक करो, स्कूल जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। चलो फुटबॉल खेले बेटा। हाय, मैं तुम्हें फेंकना सिखाऊंगा। बहुत बढ़िया, मुझे अपने पापा के साथ फुटबॉल खेलना पसंद है। पकड़ो बच्चे, टचडाउन! नहीं, मम्मी पापा देखो मैंने खुद बनाया। वाह, ये एक मास्टरपीस है, तुम बहुत टैलेंटेड हो। इस आर्ट स्टाइल को प्रिमिटिविज्म कहते हैं। हम इसे ऊपर लटकाएंगे ताकि सभी इसे देख सके। बहुत जल्द तुम्हारे पास पूरी एग्जीबिशन के लिए काफी सारे होंगे। मम्मी पापा देखो मैंने ये बनाया। शुक्रिया, इसे दो। क्या नंबर है? मैं लिख रही हूँ। पेपर के लिए शुक्रिया बच्चे। पापा मैं घर आ गया। बेटा तुम्हारी आंख के नीचे क्या हो गया? नील, क्या तुमने लड़ाई की? उठिए पापा, मैं मरा नहीं था। पापा देखो मेरी चोट लग गई। तुम सुनो बच्चे, तुम्हारे पापा तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे लड़ा जाता है और चोट नहीं, समझे? फालतू चीजों को छोड़ दो और जरूरी चीजें करो, बिल्कुल वैसे जैसे चैंपियंस करते हैं। अब जाओ उन्हें मार कराओ। आलम घर पर एक लड़की लाया है। मैबल ये तुम्हारे लिए, कितना जरूरी इवेंट है। और ये मेरे माता पिता है, हाय कहो। ये मेरी मम्मी है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा मैबल। कुछ फैमिली फोटोज देखना चाहोगी? ये आलन है, क्या वो सुंदर नहीं है? ओह, ये बहुत प्यारा है। घर में लड़की लाना हमेशा से ही अजीब लगता है। अच, ये तुम्हारे लिए। और ये रही माँ। चलो बच्चों, आलन उसके कानों को क्या हुआ? बस मजाक है। मैबल देखो मुझे कुछ पुरानी पिक्स मिली। यह आलन ठीक रहा है, फिर इसके कजन ने इसको मारा और इसमें इसने इसकी दादी की बनाई हुई हैट पहनी है। मुझे इसकी गंदी तस्वीरें पसंद है, क्या ये मजेदार नहीं? हेलोवीन आ रहा है और मुझे पता है मैं क्या बनना चाहता हूँ। मम्मी पापा मुझे हेलोवीन के लिए डार्थ वेडर बनना है। हमें पहले से ही पता है हनी, ये रही तुम्हारी कॉस्ट्यूम। आप सबसे अच्छे माता पिता हो, शुक्रिया। मेरे पास बेस्ट हेलोवीन कॉस्ट्यूम है। मैं हेलोवीन पार्टी में जा रहा हूँ पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। मम्मी पापा पापा, फिर ये एक डरावनी कॉस्ट्यूम है। बच्चे तुम्हें क्या चाहिए? मुझे हेलोवीन कॉस्ट्यूम चाहिए, मेरे पास यही कहीं थी। कितनी मिट्टी है, ये रही, ये लो। तुम गोस्ट बन सकते हो, कैंडी लाए बिना घर मत आना। उप्स, तुम तैयार हो? ये रहा वो। हैप्पी बर्थडे, हम तुमसे प्यार करते हैं बेटा। ये तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए जिंदगी का दिया हुआ बेहतरीन तोहफा हो। तैयार हो? हैप्पी बर्थ, नहीं बच्चे ये तुम्हारे लिए नहीं है। चलो आज हमारे कुत्ते का बर्थडे है, हमें तुमसे प्यार है फ्रू फ्रू। तुम हमारे लिए जिंदगी का दिया हुआ बेहतरीन तोहफा हो। फ्लफी जन्मदिन की बधाई हो।
पापा मेरे दांत में दर्द हो रहा है। ओह मेरे बेचारे बेटे, चलो डेंटिस्ट के पास चले। हिम्मत रखो, तुम तैयार हो, तुम बहुत बहादुर हो, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। आगे बढ़ो, हीरो बनो। पापा मेरा दांत दुख रहा है। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो बच्चे, पापा को पता है इस मुसीबत को कैसे हैंडल करना है। लाल स्प्रिंग अपना काम कर देगी। पापा क्या आपको पक्का यकीन है? दरवाजे बंद हो रही है, प्लीज सीधे खड़े रहो। बेटे ये इस शहर का सबसे अच्छा हेयर सैलून है, तुम्हें पसंद आएगा। मेरे बेटे को बेस्ट स्टाइलिस्ट चाहिए, इसे सुपर ट्रेंडी हेयर कट दे। मम्मी मेरे बाल लंबे हो गए, मुझे लगता है मुझे हेयर कट की जरूरत है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। रुको, ये लो इसे पहनो। बहुत बढ़िया, हार्ट ने सब सुलझा दिया। चलो अब स्कूल जाओ। पहली बार एलन रोलर स्केट्स पर। ध्यान से हनी, हमने तुम्हें पकड़ लिया। तुम चलो अपने पैरों को सीधा करो, हम तुम्हें ये करना सिखाएंगे। पापा मुझे डर लग रहा है, क्या आप मुझे पकड़ रहे हो? पापा पापा बचाओ। वो बच्चा कहाँ है? मेरा बेटा नहीं था। जो भी हो, कोई बचाओ। क्या आपको हमारे माता पिता पसंद आए? तो नीचे कमेंट करके बताएं कौन से माता पिता आपको सबसे ज्यादा रियलिस्टिक लगे, अच्छे वाले या बुरे वाले। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल को दबाएं ताकि आप वो हो पर कोई भी मजेदार वीडियो मिस ना करें।